एवरीवन, हाउ आर यू ऑल गाइस। तो आज हम लोग अपना देखने वाले हैं केमिस्ट्री का एक्सरसाइज चैप्टर टू का। चैप्टर टू का एक्सरसाइज सॉल्यूशन देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन जो चैप्टर है। फिलहाल चैप्टर का नाम ही सॉल्यूशन है और इसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हमको देखना है। ओके, तो ये थोड़ा सा याद रखो अच्छे से। तो गाइस थोड़ी सी चीज बता दो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट का हमने अच्छे से सारा लाइन टू लाइन एक एक एक्सरसाइज भी सॉल्व किया है, प्लस उस चैप्टर के लिए मैंने क्विक रिवीजन भी दे दिया है सॉलिड स्टेट का, प्लस उसके साथ साथ उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की भी वीडियो डाल दी है। तो यार आप लोगों को वीडियो मिलता ही नहीं है मुझे ऐसा लग रहा है, और मिलता तो है लेकिन आप देखते नहीं हो। कारण ये है, इसका रीजन ये है कि आप लोग ढूंढने नहीं आ रहा है। तो क्या करो, नीचे जो न्यू इंडियन एरा ऐसा ये लिखा होगा आप लोग को ब्लैक कलर में, बगल में NIE लिखा रहेगा ऐसा, ठीक है, वहां पे क्लिक कर लो। बहुत लोगों को आता होगा, जिनको नहीं आता उनके लिए बता रहा हूं। तो यहाँ पे वहां पे क्लिक कर लो और वीडियोज में जाओ या फिर प्ले लिस्ट में जाओ, और सारी वीडियो या फिर प्ले लिस्ट में जाके आप पूरी वीडियो लाइन देख सकते हो। मैंने पूरी केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बना रखी है सभी की सभी वीडियोस के लिए, ठीक है। तो पूरा अपना पास से 6 चैप्टर आज की डेट में, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, ये जून महीने में, तो यहाँ पे आज तक का 5 to 6 चैप्टर्स हो चुके हैं, ठीक है। तो जाओ और देखो, अल्कोहल फिनॉल्स देख लो, हेलोजन डेरिवेटिव देख लो, आयोनिक इक्विलिब्रिया, सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट सब हो गया है, ठीक है। तो देखो जाके उन्हें, ओके, और सभी के एक्सरसाइज हो चुके हैं तो उन्हें देखो जाके। तो आज हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशंस के एक्सरसाइज को देखने वाले हैं। क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस का ये अपना जो चल रहा है, ठीक है। और आप मुझसे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम में भी जाके हैंड रिटन नोट्स ले सकते हो। तो कहीं भी जुड़ो, कहीं भी कैसे भी करके कांटेक्ट करो, और मैं तुम्हें दे दूंगा इस चैप्टर के सारे नोट्स, एक्सरसाइज के भी नोट्स और पूरा जो सॉल्यूशन उसका भी नोट्स, ठीक है। तो ज्वाइन हो जाओ यार और पढ़ते रहो, ठीक है। स्टडी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो मतलब पढ़ना इम्पॉर्टेंट है और ये साल आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। 12th कैरियर बनाता है, ऐसा बोला जाता है कि जो 10th होता है, 10th में बेसिक्स और हमें कॉलेज मिलते हैं, अच्छा कॉलेज पढ़ने के लिए मिलता है 10th में, और जो 12th होता है वो हमारा कैरियर बनाता है, ठीक है, यानी कि हम आगे क्या बनेंगे ये 12th डिसाइड करता है, ठीक है, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है। तो 12th बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे फोकस में रखो अच्छे से, ठीक है। तो चलिए फिर आगे स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग अपने MCQ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। ओके, चूज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन MCQ, ठीक है। क्या दिया है, द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 moles ऑफ सॉल्यूट, ठीक है भाई, 2 moles ऑफ सॉल्यूट इन 2 moles ऑफ वॉटर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वॉटर 24 mmHg, यानी कि यहाँ पे mm मीन्स यहाँ पे mm और Hg मीन्स मर्क्यूरी, ये जो होता है तो Hg बोलते हैं, और ये फिलहाल एक यूनिट है प्रेशर को मेजर करने की। ओके, तो ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो कभी भी ना एक चीज हमेशा याद रख लो, अगर सॉल्यूट का, एक तरीका बता रहा हूँ, ट्रिक, सॉल्यूट का और सॉल्वेंट, यानी यहाँ पे वॉटर अपना सॉल्वेंट है, इनका नंबर ऑफ मोल्स जितना भी रहा, सेम सेम रहा ना, सेम सेम 2 है या फिर इसका भी 2 है, देखो ना दोनों 2 देके रखे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट भी 2 देके रखा है। तो अगर सेम रहेगा और प्रेशर दिया हुआ है किसी भी चीज, ठीक है, सॉल्वेंट का प्रेशर अगर दिया हुआ है, तो जो भी चीज यहाँ पे रहेगी 2 और 2, उसमें से एक से उस चीज को डिवाइड कर दो बाय 2, तो ये आपका सीधा आंसर आ जाता है, फॉर्मूला वगैरह लगाना नहीं पड़ेगा। और फॉर्मूला लगा के भी मैं आगे अभी बहुत सारे हमको न्यूमेरिकल करने, तो उसमें तो आपको पता ही चल जाएगा, और फॉर्मूला आपने लर्न किया ही होगा। अगर आपने फॉर्मूला लर्न नहीं किया है तो फिर कोई फायदा नहीं। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा डी, 12 mmHg। ओके, और एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑल जितने भी हमने सॉल्यूशन की वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है थियरी की, ठीक है, तो उन वीडियोस को जाके देख लो, बिकॉज आज जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे उसमें से 10 to 15 क्वेश्चन पूरे थियरी में मैंने ऑलरेडी कवर कर दिए, बस यहाँ पे मैं आपको उनके सॉल्यूशंस दिखाऊंगा। तो समझाने का जो पूरा थियरी का समझाने का जो चीज है वो ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया है, बस हम यहाँ पे न्यूमेरिकल में फोकस करेंगे। ओके, चलो, तो सेकंड क्वेश्चन, द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन इज, वेपर प्रेशर नहीं होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं है, फ्रीजिंग पॉइंट भी नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी नहीं है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर है और ये बाकी नहीं है, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन, इन कैलकुलेटिंग ऑस्मोटिक प्रेशर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज एक्सप्रेस्ड एज मोलारिटी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो, तो फोर्थ वाला, एबुलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट इज बॉइलिंग पॉइंट, इज द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज 1 molar, सिंपल सा है। फिर वी, क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट डिपेंड्स अपॉन किसके ऊपर, नंबर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड होता है क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट जो कॉन्स्टेंट होता है। फिर अगला है, फिर यहाँ पे सिक्स वाला, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, तो सिंपल सा बी वाला करेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी आप पढ़ते रहो, मैं क्यों टाइम पास करूं, आपको आंसर दिखाना है इसका बस। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज लोअर देन दैट ऑफ सॉल्यूशन, तो ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है बॉइलिंग पॉइंट के लिए, जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है वो लोअर होता है, ठीक है। चलो, यहाँ पे फिर सेवेंथ वाला,
ए लिविंग सेल कंटेन्स अ सॉल्यूशन विच इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन. ओके ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है ओके, विद 0.3 मोलार सुगर सॉल्यूशन. अब आइसोटोनिक हाइपरटोनिक क्या होता है सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है. व्हाट ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप्स व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन 0.1 मोलार केसीएल सॉल्यूशन एट अ बॉडी टेम्परेचर. तो क्या होगा, तो अब यहाँ पे आपको लगाना है ऑस्मोटिक प्रेशर बोल के रखा है. ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाए से दिखाते हैं. आय अपना होता है वेंट ऑफ फैक्टर, और जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टियां होती है वहां पे हम वेंट ऑफ फैक्टर को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं सीधा. पाई की वैल्यू होती है फॉर्मूला एमआरटी, इसमें वेंट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो आय सीधा, आप आय किधर भी लगा सकते हो मल्टीप्लाई में. ओके चलो, तो अभी यहाँ पे ध्यान देना, पहले सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे हमने ले लिया, यहाँ पे सभी के सभी वन ऐसा ले लिया ठीक है, एम वन पहला मास हो गया, और दूसरे वाले को इससे माइनस कर दिया, एम टू से माइनस कर दिया आर टी ठीक है. इस तरीके से आर टी कॉन्स्टेंट रहेगा, आर कॉन्स्टेंट होता है टी टेम्परेचर, तो ये भी नॉर्मल ही रहेगा, सेम टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेगा उसका टेम्परेचर सेम ही रहने वाला है ना. तो आई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे वन देके रखी है, तो वन हो जाएगा इंटू 0.3 मोल पर डीएम क्यूब. यहाँ पे देखो मोलार देके रखा है, मतलब मोल पर डीएम क्यूब भी होता है, माइनस 2 इंटू 0.3. यहाँ पे ऐसे सब सॉल्व करूंगा यहाँ पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, 2 इंटू 0.1 मोल डीएम क्यूब, और 2 यहाँ पे आ जाएगा. सारी चीजें मल्टीप्लाई करूंगा, और प्रेशर होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, पाए से दिखाते हैं. जब सॉल्व करोगे एक बार मल्टीप्लाई तो करो, इतना तो कर सकते हो ना यार, तो 2.54 डीएम क्यूब आपको इतना आ जाएगा, एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा. ओके तो ये चीज थोड़ा सा अच्छे से याद रखो, मल्टीप्लिकेशन जस्ट इतना कर सकते हो. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ ब्लड इज 7.67 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट टेम्परेचर 310 देके रखा है. एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ अ ग्लूकोज आइसोटोनिक विद द ब्लड हैज अ परसेंटेज बाय वॉल्यूम. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. अब यहां से आपको ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है. यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करो एक बार, W2 सॉल्यूट का जो भी यहाँ पे अपने पास सॉल्वेंट का देके रखा है, अपॉन M2 और ये वॉल्यूम. तो ये फॉर्मूला होता है अपना ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए. तो इस फॉर्मूले से हमने ये फॉर्मूला लाया. अब फॉर्मूला तो देखो ना यार, आपको इतना तो याद करना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ अभी. ठीक है, तो ये फॉर्मूला सीधा सा सिंपल सा लगाओ, और यहाँ पे देखो W2 अपॉन यहाँ पे V, यही अपने को फाइंड करना है. ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना अच्छे से. एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज आइसोटोनिक विद ब्लड हैज परसेंटेज में पूछा है, तो जब परसेंटेज में पूछा तो वो भी आ जाएगा ना, क्या टेंशन है. हम लोग बाद में उसमें 100 से उसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा. तो पाए एम टू आर टी सब देके रखा है. देखो आर की वैल्यू फिक्स होती है, टेम्परेचर 310 केल्विन दिया ही है, पाए एटमोस्फेरिक प्रेशर देखो 7.65 दिया है, एम टू जो मास होता है, तो यहाँ पे अपने पास जो भी प्रेशर है एक्वियस सॉल्यूशन ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मूले से आप लोग इसका मोलार मास निकालोगे तो 180 ग्राम में आपको मिलेगा. ठीक है, ग्लूकोज C6H12O6, इसका जरा मुझे मोलार मास निकाल के बताना कैसे निकालोगे. तो कार्बन का क्या होता है 12 × 6, ठीक है, फिर इस तरीके से आगे प्लस 12 × हाइड्रोजन का 1 प्लस 6 × ऑक्सीजन का कितना होता है 16. तो इस तरीके से आपको निकालना है और इसका आंसर बताना है. ठीक है, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का यहाँ पे 180 ऐसा समथिंग आप निकाल पाओगे आंसर. ओके ठीक है, देन उसके बाद हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ आंसर ये आएगा, फिर आगे हम 5.41 ऐसा डीएम क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में कर सकते हैं, कन्वर्ट करना है ना यूनिट में जस्ट. ठीक है, और कन्वर्ट करके इसको परसेंटेज में बना देंगे. ठीक है चलो, अगला क्वेश्चन, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन. सिंपल सी बात है, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन को. क्वेश्चन नंबर 10, प्रेशर कुकर रिड्यूसेस कुकिंग टाइम फूड बिकॉज. क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन्वॉल्व इन द कुकिंग इंक्रीज. बॉइलिंग पॉइंट जो कुकिंग में इन्वॉल्व होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है. ठीक है, इसके लिए फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं अपना 11th, हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट फॉर अ गैस CH3Br यानी मिथाइल ब्रोमाइड इज 0.15 मोल पर डीएम क्यूब एट टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस. व्हाट इज दिस सॉल्युबिलिटी. ओके सॉल्युबिलिटी पूछा है, यानी S is equal to KP ये फॉर्मूला होता है. तो सॉल्युबिलिटी ऑफ CH3Br पूछा है इन वाटर 25 डिग्री सेल्सियस. ओके ठीक है, एंड पार्शियल प्रेशर देके रखा है, यानी कि यस ठीक है चलेगा, ये भी चलेगा. तो पार्शियल प्रेशर यानी कि P की वैल्यू आपको यहाँ पे 0.164 दे रखी है, 164, और जो अपने पास यहाँ पे K है कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पे अपने को सॉल्युबिलिटी पूछा है, यानी S की वैल्यू पूछी है. तो अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है, जो हेनरीज कॉन्स्टेंट है वो 0.159 दिया है, तो दुनियादारी से अपने को मतलब ही नहीं है, K मिला और P मिल गया, तो फटाफट 0.159 और इंटू 0.164 पुट करो और सीधा सा आंसर 0.26 ला लो, मल्टीप्लाई जरा इसको करके देखो. तो बस आपको यहाँ पे घुमाने के लिए टेम्परेचर देके रखा है, उसका कुछ यूज है नहीं. ठीक है, तो बस इतना सा यहाँ पे थोड़ा सा इस्तेमाल करना है और सीधा सा आंसर निकाल के लेके आना है. ओके चलो, तो इस तरह से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं.
क्वेश्चन नंबर 12, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के सीईटी वगैरह पेपर में भी आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट बोला है, यानी कौन सा रॉन्ग है। नॉट करेक्ट मतलब क्या हो गया, रॉन्ग कौन सा है, बाकी सब सही रहेंगे। ठीक है, फॉर 0.1 मोलार यूरिया सॉल्यूशन एंड 0.05 मोलार सुक्रोज सॉल्यूशन। तो पहला यहाँ पे देखो ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ पे बोला नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट मतलब गलत कौन सा है, रॉन्ग कौन सा है। ठीक है, तो रॉन्ग यहाँ पे कौन सा है उसके लिए, ये कैसा स्टैटिक क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर एग्जिबिट बाय एरिया सॉल्यूशन हायर देन इट्स एग्जिबिट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, एक्चुअली ऐसा ही होगा बिकॉज यहाँ पे जो सॉल्यूशन, ओके हम मोलार दिया है ना यार, तो इसका 0.1 बड़ा, 0.1 बड़ा कि 0.05 बड़ा, 0.1 ज्यादा होता है ना, तो सिंपल सी बात है जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो हायर होगा अपने यूरिया में, ना कि सुक्रोज में, तो सुक्रोज में कम रहेगा, यूरिया में हाई रहेगा, ये परफेक्ट करेक्ट सॉल्यूशन है। यूरिया सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक, अब जिसका मोलार कंसेंट्रेशन ज्यादा वो हाइपरटोनिक ही होगा ना, तो सॉल्यूशन यहाँ पे जो सुक्रोज है ये कैसा रहेगा, यहाँ पे आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक रहेगा यहाँ पे यूरिया का। दे आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, बिल्कुल भी नहीं, इसमें से ये यूरिया ही ओनली क्या है अपना, यूरिया ही ओनली हाइपरटोनिक है, और 0.5 सुक्रोज वाला क्या है, आइसोटोनिक है, और सी वाले में बोल के रखा कि दोनों आइसोटोनिक, यानी कि यही वाला रॉन्ग है, नॉट करेक्ट यही है। ठीक है, तो ये वाला अपना आंसर रहेगा सी। डी भी देख लेते हैं, सुक्रोज सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक, ऐसा हो सकता है क्या, ज्यादा कंसेंट्रेशन किसमें है, यूरिया का है, तो ये रहेगा हाइपरटोनिक और ये रहेगा आइसोटोनिक, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2, आंसर ऑफ द फॉलोइंग इन वन और टू सेंटेंसेस, डिफाइन करना है यार व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन द साइड ऑफ सॉल्यूशन दैट स्टॉप्स ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। कितना चिंदी सा है, चाहे ये लिखो, दो दो मैंने डेफिनेशन दे दी है, आपके ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 2, ए सॉल्यूशन कंसेंट, लिखते जाना, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, और वैसे भी नोट्स चाहिए तो फिर पता है ना, जाओ टेलीग्राम में और न्यू इंडियन एरा सर्च करो, न्यू इंडियन एरा सर्च करो और वहां से कॉन्टेक्ट करके मेरे से नोट्स ले लो। ओके, चलेगा, वहां पे वैसे भी मैंने डाल के रखी है फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, मैथ्स की, सबकी, सब पढ़ा रहा हूँ अपने चैनल में। ठीक है, तो याद रखो, ए सॉल्यूशन कंसेंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन मोलारिटी एंड नॉट इन मोलालिटी, ठीक है, वाइल कंसिडरिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कभी भी हमने अभी भी एमसीक्यू में भी देखा था कि ऑस्मोटिक प्रेशर को हम मोलारिटी से दिखाते हैं ना कि मोलालिटी से, कैपिटल एम नॉर्मली मोलालिटी के लिए होता है और स्मॉल एम मोलारिटी के लिए होता है, तो ऐसा क्यों। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है सारी चीजें, तो ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर्स आर मेड एट अ स्पेसिफिक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, हम ऑस्मोटिक प्रेशर को फाइंड करते हैं, और यहाँ पे मोलारिटी में जो होती है ये कांस्टेंट होती है स्पेसिफिक टेम्परेचर में, मतलब कोई भी अगर सॉल्यूशन का आपने बोल दिया कि हाँ ये इसका स्पेसिफिक मान लो 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो मोलारिटी जो होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, अगर टेम्परेचर परफेक्ट है, फिक्स है, स्पेसिफिक है, तो अपनी मोलारिटी भी क्या रहेगी, स्पेसिफिक रहेगी। तो और ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर बेस्ड होता है, बिकॉज ऑस्मोटिक प्रेशर में नॉर्मली टेम्परेचर क्या रहेगा, स्पेसिफिक रहते हैं, तो मोलारिटी भी स्पेसिफिक रहेगी, और इसीलिए यहाँ पे जो अपना जो भी अपना ऑस्मोटिक प्रेशर है वो मोलारिटी को प्रीफर करता है ना कि मोलालिटी को। ओके, जबकि मोलालिटी जो है ये कंसेंट्रेशन बेस्ड है, तो इसके लिए, और कंसेंट्रेशन ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से चेंज हो जाता है, तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3, राइट द इक्वेशन रिलेटिंग बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन टू द कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन या डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी, यहाँ पे इतना सिंपल सा काम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी। अच्छा देखो, मैं ना सच में बताऊं, मैं ना स्मॉल एम को मोलारिटी कहता हूँ और कैपिटल एम को मोलारिटी। ठीक है, ओल्ड सिलेबस में ऐसा था, बट न्यू सिलेबस में क्या दे दिया है कि मोलारिटी स्मॉल एम से दिखाया है, ध्यान देना, मोलारिटी को स्मॉल एम से दिखाया है और मोलारिटी को कैपिटल एम से दिखाया है, तो वो आप थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर इधर उधर हुआ भी तो आप समझ लेना। ठीक है, बिकॉज अपने को उसके सिंबल से फर्क नहीं पड़ता है, अपने को मेन नाम से मतलब है कि मोलालिटी बोल रहा है भाई कि मोलारिटी बोल रहा है। ठीक है, तो मोलालिटी एंड मोलारिटी इज डिफरेंट थिंग्स, तो यहाँ पे स्मॉल एम से दिखाया तो हम स्मॉल एम लेके चलेंगे। ओके, तो डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाना है तो यहाँ पे केबी कॉन्स्टेंट लेना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना, और जिसे हम इबुलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट कहते हैं। तो ये हो गया पूरा अपना बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का जो भी एक्सप्रेशन है, इतना ही था आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ए 0.1 मोलाल, स्मॉल एम मतलब मोलाल सॉल्यूशन ऑफ K2SO4 पोटेशियम सल्फेट इन अ वाटर हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट माइनस, फ्रीजिंग पॉइंट तो माइनस में ही रहेगा ना, तो फ्रीजिंग पॉइंट -4.3 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वैन टॉफ फैक्टर पूछा है, इफ केएफ फॉर वाटर, यानी कि केएफ, यानी कि यहाँ पे क्या देके रखा है, फ्रीजिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो वाटर यहाँ पे केएफ देके रखा है 1.86, तो मोलालिटी है यानी एम है 0.1,
फ्रीजिंग पॉइंट टीएफ माइनस 4.3, केएफ फॉर वाटर इतना देके रखा है। सो हमको पता है फ्रीजिंग पॉइंट का सॉल्यूशन यहाँ पे डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ एम होता है, और मैंने बोला ना कि वेंट ऑफ फैक्टर आप कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो मैं मल्टीप्लाई कर दिया देखो यहाँ पे, और ये मल्टीप्लाई करके आप इस तरीके से सॉल्व करोगे। और देखो यहाँ पे डेल्टा टीएफ क्या होता है, टीएफ नॉट माइनस टीएफ, टीएफ नॉट क्या रहेगा इनिशियली 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और टीएफ क्या है माइनस ऑफ माइनस 4.3 केल्विन टेम्परेचर बन जाएगा। नाउ यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूले में से आई निकालना है, डेल्टा टीएफ पता है, डेल्टा टीएफ कितना है 4.3 केल्विन, ठीक है। तो डेल्टा टीएफ पुट कर दिया, टीएफ की वैल्यू देके रखी है 1.86 और मोलाल भी 0.1 मोल देके रखा है। फटाफट सॉल्व करो 23.1, क्योंकि वेंट ऑफ फैक्टर की कोई यूनिट नहीं होती तो यहाँ सब कट जाएगा। देखो ये के और ये के भी कट जाएगा, ये केजी माइनस वन है और ये ओनली केजी है, तो ये भी कट जाएगा और मोल एंड यहाँ भी मोल, ये दोनों कट जाएंगे, तो ये 23.1 इस तरीके से आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है। तो ये वेंट ऑफ फैक्टर होगा, ठीक है, फॉर दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वेंट ऑफ फैक्टर। अब एग्जैक्टली वेंट ऑफ फैक्टर ही क्या होता है, तो वेंट ऑफ फैक्टर मेनली रिलेटेड होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को, और बेसिकली ये रेशियो होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, याद रखना अच्छे से। मैं आपको एक बात बता दूं, जब मैंने वीडियोस क्रिएट की थी, ठीक है, जब वीडियोस की क्रिएट की थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बाद वेंट ऑफ फैक्टर की, तो वहां पे मैंने नोट्स में नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिख दिया है, उस चीज को थोड़ा फोकस करना अच्छे से, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जबकि वहां पे इलेक्ट्रोलाइट आएगा, तो इतना आप समझ सकते हो नॉर्मली, टेक्स्ट बुक का टॉपिक का बस नाम चेंज हो गया है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट वहां पे लिख दिया जबकि वहां पे ओनली इलेक्ट्रोलाइट है, वहां पे नॉर्मली इलेक्ट्रोलाइट्स है ऐसा, ठीक है। तो वो चीज आपको अच्छे से याद रखना है, तो थोड़ा जाओ और वीडियो में देख लेना, लास्ट वाला सबसे लास्ट वाला वीडियो है। तो इलेक्ट्रोलाइट डिवाइड बाय द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको इस चीज को फोकस करना है। तो व्हाट इज वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर जो होता है ये रिलेशन बिटवीन, यानी कि रेशियो बिटवीन यहाँ पे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोलाइट्स की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इनका रेशियो होता है अपना वेंट ऑफ फैक्टर। यहाँ पे देख लो ना, आई इज इक्वल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इन दोनों का क्या होता है ये रेशियो होता है। तो डेल्टा टीएफ क्या हो गया, ये अपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का हो गया, फिर डेल्टा टीएफ नॉट ये अपने नॉन कॉलिगेटिव का, या कॉलिगेटिव का ही बट नॉन इलेक्ट्रोलाइट का हो गया, ठीक है। तो याद रखो अच्छे से, एक है इलेक्ट्रोलाइट एक है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो यहाँ पे दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ही रहेंगे, बट वेंट ऑफ फैक्टर क्या होगा, रेशियो ऑफ यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द रेशियो ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो डेल्टा टीएफ अपॉन डेल्टा टीएफ नॉट ये हो गया इस तरह से, तो डेल्टा टीएफ नॉट क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो गया, डेल्टा टीएफ इलेक्ट्रोलाइट हो गया। टीबी के लिए बात करूं तो डेल्टा टीबी ये अपना हो गया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए, डेल्टा टीबी नॉट ये हो गया नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, वही दोनों है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बट ऊपर वाला इलेक्ट्रोलाइट नीचे वाला नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे ही यहाँ पे प्रेशर के लिए और यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, तो ये सब के सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टियां होते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर निकाल लेते हैं, जस्ट ये रेशियो होता है, ठीक है। हाउ इज वेंट ऑफ फैक्टर रिलेटेड टू द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, सिंपल से आंसर यार ये वाला फॉर्मूला है, देखो ना इसी को प्रूफ किया है, तो इतना तो आप निकाल सकते हो। तो कैसे रिलेटेड है, अल्फा या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होता है, तो आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, वेयर आई इज द वेंट ऑफ फैक्टर और यहाँ पे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, इस तरीके से कुछ रिलेशन है, यही रिलेशन है बिटवीन देम, इसका आगे चल के प्रूफ भी देखोगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैव हायर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड वाई, हायर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड वाई क्यू। तो देखो पहले का यहाँ पे ए और ये दूसरा क्वेश्चन बी, दो देके रखा है, पहले में 0.1 मोलाल यहाँ पे NaCl, दूसरे में 0.05 मोलाल Al2SO4 3। तो पहले वाला देखते हैं किसमें फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन सबसे ज्यादा होगा, ये निकालना है। तो NaCl 0.14 इसको हमने डिसोशिएट किया, 0.1 मोल 0.1 मोल में डिसोशिएट हो गया। ओके नेक्स्ट, यानी टोटल पार्टिकल्स कितने आए, 0.2 मोल आ गए, इनको ऐड करो ना यार, तो 0.2 मोल ही आएगा ना। अगर हम लोग 0.05 मोल Al2SO4 को यहाँ पे और 3 को डिवाइड अपना डिसोशिएट करते हैं तो क्या आएगा, तो एल्यूमिनियम का 0.01 आ जाएगा और इसका 0.15 आ जाएगा, तो इसका जो टोटल पार्टिकल सॉल्यूशन का मिल गया 0.24 मोल मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, कौन सबसे ज्यादा यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इट्स सिंपल ना यार, 0.2 और 0.25 में कौन सबसे ज्यादा है, तो इस चीज को आपको थोड़ा सा समझ के रखना है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो Al2SO4 होगा इसमें ज्यादा मोल है, 0.25 ज्यादा बड़ा होता है देन एज कम्पेयर टू 0.2, तो यानी कि अपना K2SO4 में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या फिर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, स्टेट राउल्ट्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इसका आंसर आप खुद दोगे, राउल्ट्स लॉ का जस्ट यहाँ पे स्टेटमेंट देनी है, यार देखो ना यहाँ पे, ये देखो यहाँ से ऐसा स्टेटमेंट, तो इतना तो खुद ही पढ़ लोगे, टेक्स्ट बुक में पढ़ाया भी है मैंने। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 1 मोल
ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज एडेड टू 1 डीएम क्यूब ऑफ वाटर, यानी मिथाइल अल्कोहल में वाटर एड करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस आएगा, ठीक है, वो भी 1 मोल के लिए। तो व्हेन 1 मोल ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज एडेड टू 1 डीएम क्यूब ऑफ वाटर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस। सिंपल सी बात है, हमने देखा था कि हमने हेलोजन डेरिवेटिव और अल्कोहल एंड फिनॉल चैप्टर में भी देखा है, इस तरीके से आपको चैप्टर को रिलेट करना है। अल्कोहल जो होता है अगर इसका बहुत ज्यादा मॉलिकुलर मास यानी कि जो मॉलिकुलर वेट होगा ये मैक्सिमम रहेगा तो क्या होगा, अगर मैक्सिमम है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा बढ़ेगा, और जब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे तो ये डाइल्यूट बन जाएगा, इसका मॉलिकुलर वेट क्या होगा, कम होगा, तो इसके लिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो ये चीज आपको याद रखना। तो जब हम लोग इसमें नॉर्मली नॉन वोलेटाइल चीजें या वोलेटाइल चीजें कुछ भी डालते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो अगर इंक्रीज करना है तो हमें नहीं डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसका यहाँ पे सॉल्यूशन एक बार पढ़ लो अच्छे से, ओके। विच ऑफ द फोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज मोस्ट ऑफन यूज्ड फॉर मॉलिकुलर मास ऑफ डिटरमिनेशन, व्हाई, कौन सी ऐसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो मॉलिकुलर मास डिटरमिनेशन के लिए यूज होती है। तो अमंग द फोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर इज मोस्ट ऑफन कौन सी, पाई इज इक्वल टू MRT। इसमें ओनली देखो यहाँ पे मॉलिकुलर मास हम फाइंड कर सकते हैं, ऑस्मोटिक मास डिटरमिनेशन के लिए होता है। तो बस ना पहले लाइन में आंसर मिल गया, नीचे तो फिर आप बोर्ड एग्जाम में मार्क्स चाहिए ना, इसलिए पका के रखा है, तो उसको थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा आपको। देखो जो आंसर मैंने यहाँ पे दिया है एग्जैक्टली सेम आंसर बोर्ड एग्जाम में लिखना है, फुल मार्क्स मिलेंगे 100%। और एक्सरसाइज से बार बार कह रहा हूँ, एक्सरसाइज से 70% तक आपके टेक्स्ट बुक में बोर्ड एग्जाम में मार्क्स आएंगे, और जो जिसको 90 एबो लाना होता है तो 30% उसको एग्जाम्पल से पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम्पल से। और देखो मान लो 100% क्वेश्चन है तो 70% एक्सरसाइज से, और जो 30% है वो कहीं से भी आएगा। इस 30% में से भी 25% जो क्वेश्चंस होते हैं वो नॉर्मली एग्जाम्पल से आते हैं, और जो बच्चे 5% तो वो टीचर ना हर एक स्टूडेंट को ट्राई करता है कि उसके आउट ऑफ मार्क्स नहीं आने चाहिए और वो पास भी हो जाना चाहिए, इसलिए वो एक्सरसाइज से सॉल्यूशन क्वेश्चन देता है और एग्जाम्पल से यहाँ पे देता है, जिससे कि बच्चा एवरेज रहे, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज वाले तो वो कर ही लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल वाला जो है 25% देगा, और उसमें से 5% जो रहेगा ना वो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, चाहे वो एमसीक्यू में कुछ भी पूछ ले टीचर, या फिर वो कहीं से भी क्वेश्चन बनाएगा तो कंसेप्चुअल बेस्ड 5% क्वेश्चन आएंगे, यानी एक या दो क्वेश्चन आती है, ठीक है। तो ये आप ऑप्शन में छोड़ सकते हो, सिंपल सी बात है, ऑप्शन में निकाल दो इनको। तो सारा अगर आप एक्सरसाइज यानी सारा एग्जाम्पल करके जाते हो ना पूरे चैप्टर का, तो समझ लो आपके आउट ऑफ मार्क्स फिक्स है, ओके। तो ये बात ध्यान रखना। तो द आंसर ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पे देखते हैं अच्छे से, आंसर ऑफ द फॉलोइंग पहला क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ वेपर प्रेशर लोवरिंग इज रिलेटेड टू राइज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब वेपर प्रेशर जो लोवरिंग होता है कैसे रिलेटेड है राइजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको पकड़ के रखना है। तो आंसर फर्स्ट, एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सिंपल सी बात है। इन ऑर्डर टू रीच बॉइलिंग पॉइंट द सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट मस्ट बी हीटेड टू टेम्परेचर एट विच देयर रिस्पेक्टिव वेपर प्रेशर अटेन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब अपने को किसी भी सॉल्यूशन आपके पास अगर है तो उस सॉल्यूशन में इतना अपने को टेम्परेचर देना पड़ेगा कि वो सेम उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर जो है इसको अटेन कर लें, ठीक है। और इस तरीके से अपना वेपर प्रेशर और जो अपना यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का कंडीशन है ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी कि अपने को इतना बॉइलिंग पॉइंट देनी पड़ेगी, इतना अपने को टेम्परेचर देना पड़ेगा किसी भी सॉल्यूशन में कि अंदर का जो मॉलिक्यूल है वो अटेन कर ले किसी भी प्रेशर को, ठीक है। तो ये रिलेशन हो गया बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड बिटवीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक यहाँ पे सॉल्यूशन, यार आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक मतलब जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, आइसोटोनिक मतलब जिसका कम हो, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और देखो ये बुक में भी देखे रखा, अभी इसके लिए हमने एक सॉल्यूशन देखा भी था, इसी के लिए सेम अभी हमने एक एमसीक्यू सॉल्व किया 0.1 मोलार यूरिया का अभी और सुक्रोज का, तो हमने देखा भी था, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, ए सॉल्वेंट एंड इट्स सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आर सेपरेटेड बाय सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, डज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट ऑकर्स इन बोथ डायरेक्शन, कमेंट ऑन गिवन और एंड गिविंग रीजन। बोला गया है कि एक आपके सामने कंटेनर है, इसको बीच से डिवाइड कर दो, और इसमें क्या है, एक में नॉन वोलेटाइल एक में वोलेटाइल, और बीच से यहाँ पे जो मिडल से सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन है, तो क्या इसमें से यहाँ पे क्या होगा, सॉल्वेंट जो होगा एक दूसरे की तरफ जाएंगे, तो इसका सॉल्यूशन है यार इतना चिंदी सा है, तो इसको रीड कर लो ना यार, इतना सिंपल सा है, मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर का जब आपको पढ़ाया तो ये चीज बताई भी है, तो सिंपल सा है कॉन्सेप्ट, तो इसको आप एक बार पढ़ लो, ठीक है। डिपेंड करता है ये प्योर एंड मिक्स सॉल्वेंट पे, अगर प्योर सॉल्वेंट है तो इधर से उधर जाएगा, नहीं रहेगा तो फिर नहीं जाएगा, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड एंड यूरिया
सॉल्यूशन ऑफ द सेम कॉन्सेंट्रेशन एट सेम टेम्परेचर आर रिस्पेक्टिवली 0.60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 0.245 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कैलकुलेट वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ CaCl2। तो ऑस्मोटिक प्रेशर देके रखा है, फॉर्मूला तुरंत याद आना चाहिए, पाई एमआरटी, और वेंट ऑफ फैक्टर बोले तो आई से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ CaCl2 0.605, यूरिया का 0.245, द वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर जो पाई पहले के लिए और दूसरे के लिए, यहाँ पे पाई इस तरह से फॉर्मूला, यूरिया सॉल्यूशन के लिए पाई इक्वल टू एमआरटी 0.25 एमआरटी आ जाएगा, फॉर अपने CaCl2 के लिए यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर लेना पड़ेगा, तो पाई आई एमआरटी, इसका पाई के जगह वैल्यू पुट करूंगा 0.605 आई एमआरटी, दोनों को डिवाइड कर दूंगा, एमआरटी एमआरटी कैंसिल, ओनली आई बचेगा, और डिवाइड करूंगा यहाँ पे 2.4547 आंसर आ जाएगा। इतना आसान सा था, बस ये फॉर्मूला पता है तो सब आता है। ये हो गया अपना अपना नॉर्मली CaCl2 के लिए, और पाई इक्वल टू एमआरटी ये जो हो गया ये यूरिया के लिए, ठीक है, एमआरटी ये यूरिया के लिए, बस दोनों को डिवाइड कर दो, पाई की वैल्यू दोनों के लिए पता ही है, एमआरटी एमआरटी जो हो जाएगा कैंसिल, आई ओनली बचेगा, ठीक है। एक्सप्लेन रिवर्स ऑस्मोसिस, सीधा सा इसका मैंने करा के रखा है, देखो आंसर देख दिया हूं, देखो सोच लो आपके लिए, यहाँ पे आंसर टाइप करने में बहुत टाइम जाता है, ठीक है। तो आंसर आपको यहाँ पे देके रखा है, बस आप सिर्फ एक ही काम करने की, जस्ट रीड करना है। रिवर्स ऑस्मोसिस अगर आपको समझना है तो वीडियो में जाओ, वीडियो नंबर पार्ट 3 देख लो, रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर सब बता के रखा है, और ये डायग्राम बना देना ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मोलार मास ऑफ अ सॉल्यूट इज डिटरमाइंड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट। अब देखो सिंपल सा, इसका प्रूफ मांगा है, ये प्रूफ भी मैंने देके रखा है, बट चलो फिर भी देख लेते हैं। अपने को यहाँ पे देखो, जैसे होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, तो पाई या पी क्या होता है प्रेशर, तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए पाई वी इक्वल टू एनआरटी हो जाएगा, वेयर एन टू इज दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और उसी के लिए उसने बात की है, तो एन टू यहाँ पे मैं ले लूंगा सॉल्यूट के लिए, पाई इज इक्वल टू, देखो ये पाई वी इज इक्वल टू एन टू आर टू, ठीक है, जहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूट क्या होता है मास अपॉन, यहाँ पे मास अपॉन मोलार मास, डब्ल्यू टू इज दी मास ऑफ दी सॉल्यूट एंड एम टू इज दी मोलार मास ऑफ दी सॉल्यूट, ठीक है। ये ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हो, फिर इन दोनों को पुट कर दूंगा एन टू की जगह में, तो डब्ल्यू टू अपॉन एम टू आ जाएगा, और आर टी अपॉन वी यहाँ पे रहेगा ही, एम टू को साइड में कर दूंगा, ये देखो ये एम टू को साइड में कर दूंगा, पाई को इधर कर दूंगा, तो डब्ल्यू टू अपॉन आर टी अपॉन पाई वी आ जाएगा, एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। यही तो आपका आंसर है ना, मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट निकालने का, तो मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट एम टू मिल गया, सॉल्यूट का मोलार मास सॉल्वेंट के लिए होता तो यहाँ पे एम वन आता, तो वो अभी यहाँ से मिलता ही नहीं है, ओनली सॉल्यूट का देता है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो इसको याद रखना, ये चीज ऑलरेडी कराई भी है बट फिर भी दिखा दिया आपको, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट इज लोवर्ड बाय डिसॉल्विंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इनटू इट। सिंपल सा आंसर एक बार रीड करो, बताया हुआ है, सारी चीजें पढ़ा के रखी है मैंने, ठीक है। चलो, यूजिंग राउल्ट्स लॉ हाउ विल यू शो दैट डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट एक्स टू, वेयर एक्स टू इज मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट एंड पी वन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। देखो क्या दिया है, पता है क्या, राउल्ट्स लॉ जो है ना, इसका प्रूफ मांगा है, यही तो होता है, इसी चीज को तो हमको राउल्ट्स लॉ में प्रूफ करना होता है, और ये चीज मैंने आपको कराई है, वीडियो नंबर पार्ट 2 में जाके देखो, वो चीज मैंने करा के रखी, फिर भी आपको सॉल्यूशन देता हूँ। देखो ये ऊपर की थियरी लिख लेना, और इसमें हमने एक्स वन एंड एक्स टू दो नंबर ऑफ मोल्स लिए थे, ठीक है, एक्स वन एंड एक्स टू, और इसमें से पी वन इज इक्वल टू पी वन नॉट एक्स वन आ जाएगा, एक्स वन और एक्स टू को हम अगर ऐड करते तो वन आता है, तो एक्स वन इज इक्वल टू वन माइनस एक्स टू बन जाएगा। देखो ना यहाँ पे क्या होता है, एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू क्या होता है वन, अगर मैं इसमें से एक्स वन की वैल्यू निकालू तो क्या आ जाएगा वन माइनस एक्स टू, एक्स वन की वैल्यू आ जाएगी, ओके। तो देखो वही चीज यहाँ से आई है, और बस इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे एक्स वन की जगह में, जब पुट करूंगा तो क्या मिल जाएगा पी वन माइनस पी वन नॉट एक्स टू, और यहाँ पे अगर मैं इस पी वन नॉट एक्स टू को इस पी वन की तरफ लेके आऊं तो क्या बनेगा, ये पी वन नॉट माइनस पी वन इज इक्वल टू पी वन एक्स टू, एंड ये क्या है चेंज इन प्रेशर, तो चेंज इन यहाँ पे प्रेशर यानी डेल्टा पी इज इक्वल टू पी वन नॉट एक्स टू, ये हो गया पूरा सॉल्यूशन लोवरिंग प्रेशर का, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को निकालना था, बट ऊपर आपको राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट देना पड़ेगा, देखो यहाँ पे स्टेटमेंट दे दिया है वापस से, एक जगह में और आपको दिखाया था स्टेटमेंट, ठीक है, तो ये दे दिया, और यहाँ पे सारी चीजें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए सारी क्वेश्चंस आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसके आंसर सेम यही आंसर लिखना है, ये एग्जाम में 3 मार्क्स को 100% आता है, ठीक है। तो दो दो बार आपको मैंने बता दिया यहाँ पे, एक बार आंसर और एक बार जब मैंने वीडियो बनाई थी थियरी की, तो ऑलरेडी सॉल्यूशंस की वीडियो डाली हुई है, येलो कलर में थंबनेल है, दिखेगा आपको, जाके देख लो वीडियो देख लो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाइल कंसीडरिंग बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ए सॉल्यूशन कंसेंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन मोलालिटी एंड नॉट इन मोलालिटी। अभी के अभी इसका आंसर दिया है मैंने कि मोलालिटी में और मोलालिटी में क्यों नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन बॉइलिंग, इसके पहले मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में बोला था, ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में हम मोलालिटी को प्रीफर करते हैं ना कि मोलालिटी को, बट इन द केस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वी प्रीफर मोलालिटी नॉट मोलालिटी। व्हाई? बिकॉज इन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन
वी डील विद द सिस्टम हुज टेम्परेचर इज नॉट कॉन्स्टेंट। और ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए टेम्परेचर कॉन्स्टेंट चाहिए था और इसीलिए मोलारिटी डिपेंड होती है टेम्परेचर के ऊपर, सो मोलारिटी भी कॉन्स्टेंट रहेगी, इसलिए हमने ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए मोलारिटी ली थी। बट इन द केस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, वी कैन नॉट एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मोलारिटी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, टेम्परेचर क्या होता है कॉन्स्टेंट यहाँ पे नहीं होता है क्योंकि ये वेरी करेगा। अभी भाई बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट ही पढ़ रहे हैं, टेम्परेचर से ही रिलेटेड है, तो टेम्परेचर वेरी ही करेगा ना, और टेम्परेचर क्या होता है टेम्परेचर से रिलेटेड होता है मोलारिटी, और जब टेम्परेचर वेरी करेगा तो हम क्यों यहाँ पे मोलारिटी को प्रीफर करें, हम मोलारिटी को प्रीफर करेंगे जो कि कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड होती है। तो याद रखो अच्छे से, जो मोलारिटी होती है मोलारिटी ये किसके ऊपर, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, एंड जो मोलारिटी होती है मोलारिटी ये कॉन्सेंट्रेशन से नॉर्मली रिलेटेड है। ऐसा नहीं दोनों में टेम्परेचर अप्लाई होगा, होता है, बट मोलारिटी कॉन्सेंट्रेशन के लिए, मोलारिटी टेम्परेचर के लिए। अब अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है जिस भी चीज के लिए तो हम मोलारिटी लेंगे, तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है, बट इन द केस ऑफ बीपी एंड इन द केस ऑफ एफपी यानी फ्रीजिंग पॉइंट, इन दोनों कंडीशन के लिए यहाँ पे हम मोलारिटी प्रीफर नहीं करेंगे बिकॉज इन दोनों कंडीशन के लिए टेम्परेचर चेंज होता है, सो इनके लिए हम मोलारिटी प्रीफर करेंगे, मोलारिटी, ठीक है। तो यही क्वेश्चन का आंसर था, ओके चलो अगला क्वेश्चन, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एंड वेंटर फैक्टर। यार ये क्वेश्चन फिर से आ गया, इस क्वेश्चन को मैंने आपको करवाया था ना पार्ट नंबर 4 वीडियो को जाकर देख लो, सॉल्यूशन का पार्ट 4 की या फिर पार्ट 3 जो लास्ट पार्ट है उसको देख लो, ठीक है, आई थिंक पार्ट 3 है लास्ट, ठीक है, तो उसे जाके देखो एक बार और सारा आंसर आ जाएगा। देखो तो वही चीज फिर से प्रूफ करना है, एग्जैक्टली बताऊं ना तो देखो आपको ये प्रूफ करके देना है, यानी कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। इसके लिए अभी हमने इसका एक क्वेश्चन देखा भी है, ठीक है, तो यही अपने को यहाँ पे प्रूफ करना है। तो वही सबसे पहले द वीक इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे लिख लो सारा थियरी वगैरह वेंटर फैक्टर का, फिर ए एक्स बी वाई यहाँ पे जब आप इसको डिसॉल्व करोगे तो यहाँ पहले स्टार्टिंग में 1 मोल ले लो इनिशियली, फिर 0-0 हो जाएगा, फिर इक्विलिब्रियम में 1 माइनस अल्फा और एक्स अल्फा एंड वाई अल्फा सारी चीजों को ऐड कर दो, 1 प्लस अल्फा माइनस एन माइनस 1 आ जाएगा। देखो ना जरा इसको प्लस इसको सबको कर दो ऐड, यार ऐड किया यहाँ पे, और n इक्वल टू क्या होता है x प्लस y होता है, बस इसके जगह वैल्यू पुट करो और वेंटर फैक्टर का फॉर्मूला लगाओ, एक्चुअल मोल्स ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन मोल्स ऑफ फॉर्मूला यूनिट डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन। तो जो यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर है वो क्या रहेंगे, एक्चुअल नंबर ऑफ मोल जो कि सॉल्यूशन के अंदर है, तो 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1 है, और कितने यूनिट ऑफ डिसॉल्व हुए, तो 1 यूनिट ऑफ डिसॉल्व हुआ, बस इसको सॉल्व करो और देखो i इज इक्वल टू, देखो क्या मिला, i इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1। अब इससे आप सॉल्व नहीं कर सकते हो क्या इतना, देखो कैसे सॉल्व करोगे, अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो ये 1 को पहले इधर भगा दो, i माइनस 1 बन जाएगा एंड देन ये अपॉन में एन माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा, देखो अल्फा की वैल्यू आ गई, ये रही अल्फा की वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना था, जस्ट क्या किया, ये वाला आपको बॉक्स है और इस बॉक्स के नीचे जो भी यहाँ पे दिख रखा है ये क्या हो गया, यहाँ पे हमने उसको ऐड कर दिया। आप कहोगे ये अल्फा सल्फा कहाँ से आया, तो ये अल्फा भाई क्या होता है, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, ठीक है, या फिर आयोनाइजेशन भी कह सकते हो। तो अगर मान लो इनिशियली 1 मोल है तो यहाँ पे कितना होगा, 0-0, बट जब हम इसको डिसॉल्व करेंगे तो कितना डिसॉल्व हुआ, मैंने मान लिया कि अल्फा डिसॉल्व हुआ तो 1 में से अल्फा चला गया, ठीक है, इतने डिसॉल्व हुआ था ना, तो 1 में से अल्फा चला गया तो यहाँ पे अल्फा अल्फा यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे x नंबर है तो यहाँ भी x नंबर, यहाँ y नंबर तो यहाँ y नंबर, ये स्टोइकियोमेट्रिक नंबर्स होते हैं, जितने रहेंगे उतना मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो स्टार्टिंग में पहले 1 था तो इस साइड कितना रहेगा, 0, बिकॉज 1 मोल इधर है और 1 मोल ही है तो यहाँ पे 0 ही रहेगा ना, कुछ भी नहीं आया, बट जब डिसॉल्व हुआ तो 1 में से कितना डिसॉल्व हुआ, तो मैंने मान लिया अल्फा डिसॉल्व हुआ, तो 1 में से माइनस अल्फा कर दूंगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, तब 1 माइनस अल्फा बचेगा, और यहाँ पे कितना डिसॉल्व हो गया, तो अल्फा डिसॉल्व हो गया। तो ये यहाँ से इस तरीके से अपना सॉल्व होता है, इस चीज को मैंने बता के रखी है अच्छे से आपको सारी चीजें। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन वाटर, गिव एग्जांपल, अरे सिंपल सा आंसर है, पढ़ो इसे, ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लो, 3 मार्क्स को एग्जाम में पूछता है, ओके। तो वही यार कितना चिंदी सा पूछा है ना, कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन वाटर, कितना सिंपल सा है, आपको यहाँ पे बस इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिसिटी का यहाँ पे कॉन्सेप्ट देना है, कि अगर टेम्परेचर वाटर अंदर लोगे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, यानी कि अगर टेम्परेचर अगर आप अंदर लेते हो किसी भी कंटेनर के अंदर तो उसके कंटेनर के अंदर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, अगर वो यानी कि ये हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन, और अगर कोई कंटेनर है और कंटेनर के बाहर हीट रिलीज कर रहे हैं तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो यहाँ का टेम्परेचर डिक्रीज होगा, यही चीज बतानी है, यही इफेक्ट होगा सॉल्युबिलिटी में, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे जब यानी एंडोथर्मिक कंडीशन जब आएगी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, और जब हीट हम रिलीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, यही चीज सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 6, ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। अब देखो ये सीधा सा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का एक्सप्रेशन बताना है, यानी कि आपको ये चीज यहाँ पे देखो ऐसा कुछ है, यहाँ से कुछ चीजें प्रूफ करनी है,
बहुत आसान है। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा, डेल्टा टीएफ जो होता है, डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे मोलालिटी के लिए होता है, ठीक है, मोलालिटी, ठीक है। तो यहाँ पे केएफ क्या है, ये अपना क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होता है। अब देखो यहाँ पे कैसे हम वैल्यू निकालेंगे, ओके चलो। तो सबसे पहले क्या होगा, डब्ल्यू टू एम टू क्या होगा, ये एन टू की वैल्यू आ गई, ठीक है, यानी कि एम टू मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट है और डब्ल्यू टू जो है ये अपना वेट ऑफ द सॉल्वेंट है। सारी चीजों को पुट कर दिया, अब हमने यहाँ पे देखो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना यार, डब्ल्यू अपॉन यहाँ पे 1000 केजी एम टू की जगह में, और एन क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये होता है मोलालिटी का फॉर्मूला। अब फॉर्मूला नहीं है जो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर्मूला तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ओके। मैं इसका एक इम्पोर्टेंट वीडियो बना दूंगा फॉर्मूले के लिए, ठीक है, चलो। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि हमें इम्पोर्टेंट फॉर्मूले के लिए वीडियो चाहिए और क्विक रिविजन इसका भी चाहिए, ठीक है, तो मैं वीडियो बना दूंगा इसका, और ऐसे भी 2 से 3 दिन में वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आप आज की डेट से देख रहे हो तो वीडियो ढूंढ लेना उसके बाद, ठीक है। द मोलालिटी इज एक्सप्रेस्ड एज, द मोलालिटी का यहाँ पे जो फॉर्मूला है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, तो m इज इक्वल टू, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या मिला, डब्ल्यू टू अपॉन एम टू, और यहाँ पे सॉल्वेंट के लिए क्या मिला, डब्ल्यू वन अपॉन 1000, क्योंकि सॉल्वेंट कितने चाहिए रहता है, केजी में चाहिए रहता है, तो ग्राम में, तो केजी में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से यहाँ पे करना पड़ेगा ना अपने को डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1000 से डिवाइड करके रखा है डब्ल्यू टू डब्ल्यू वन को, बस इतना सा काम है। तो बस यहाँ पे फटाफट सारी वैल्यू पुट कर दिया, और जब इसको सॉल्व करूंगा तो इस तरीके से यहाँ पे ऊपर नीचे हो जाएंगी वैल्यू, और 1000 W2 upon M2 W1 आ जाएगा, और यहाँ पे M की वैल्यू मिल गई। इस M की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, जब यहाँ पे पुट करेंगे देखो यहाँ पे डेल्टा TF इज इक्वल टू KF, और M की जगह में सारी वैल्यू पुट कर दी, अपने को M2 की वैल्यू आ गई। देखो M2 जो है यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट देके रखा है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे मिल गया। तो इस तरीके से सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन ये भी है, एक्सप्लेन विद द डायग्राम द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। यार फिर से, तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन पार्ट नंबर 2 जाके देख लो, पार्ट नंबर 2 वीडियो का। तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का देखो आपको मैं दिखाता हूँ, आप बोलोगे कि नहीं नहीं ये हमारा नहीं हुआ है, देखो ना ये मैंने कराया है कि नहीं कराया है, ठीक है, यही ग्राफ है, ग्राफ के थ्रू और ये एक्सप्लेनेशन हो गया। तो ग्राफ के थ्रू पूरा आंसर देखो, तो पहला क्वेश्चन ये यहाँ से लिखना स्टार्ट करना, ये वाला आंसर लिखना, और उसके बाद ये ग्राफ बना देना, पूरा आंसर मिल जाएगा। और अगर इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो पार्ट नंबर 2 की 3 सॉल्यूशन का जाके देख लो, मैंने वीडियो डाल के रखी है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फिश जनरली नीड्स O2 ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन इन वॉटर एटलीस्ट 3.8 mg/L फॉर सर्वाइवल, ठीक है। पानी में जो ऑक्सीजन होता है उसको फिश कम से कम 3.8 mg ऑफ पर लीटर इतना लेती है, ठीक है, मतलब 1 लीटर ऑफ वॉटर में से 3.8 mg इतना फिश ऑक्सीजन लेती है, ठीक है। चलो, व्हाट पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 अबव द वॉटर इज नीडेड फॉर द सर्वाइवल ऑफ फिश गिवेन द सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 इन वॉटर एट 0°C एंड 1 atmospheric प्रेशर, ठीक है। चलो ये भी गिवेन है, 2.2 × 10⁻³ mol/L, ये देखे रखा है। चलो देखते हैं, तो O2 ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन जो यहाँ पे ध्यान देना, जो O2 का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वॉटर रिक्वायर्ड इतना है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इतनी देखे रखी है, देखो ना गिवन देखे रखा है ये यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे, प्रेशर है 1 atmospheric प्रेशर, ठीक है, वो तो सबको पता है कि 1 atmospheric प्रेशर ही रहेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा हम हेनरीज कॉन्स्टेंट लगाएंगे, एस इज इक्वल टू KHP, बिकॉज सॉल्युबिलिटी की बात की है ना, तो सिंपल सा है। तो प्रेशर 1 atmospheric प्रेशर बार में कन्वर्ट करेंगे तो 1.013 बार आ जाएगा, फिर KH की वैल्यू S/P, S सॉल्युबिलिटी देके रखा 2.2 और प्रेशर भी देके रखा 1.013, ये मिल गया। फिर O2 का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू कितना है 0.38, बस इसमें से कुछ करना ही नहीं अपने को, 3.8 × 10⁻³, क्योंकि मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, और अपन 32 ग्राम, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है इसका मोलार मास होता है 32 ग्राम, डिवाइड कर दिया जस्ट, और यहाँ पे अपने को मिल गया O2 का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब बस जैसी सारी चीजें मिल गई तो यहाँ पे P = SK यहाँ पे पुट कर दो, देखो तो S यानी सॉल्युबिलिटी 1.19 × 10⁻² यहाँ पे 4, और जो अपने पास K देके रखी है, K ये अपनी कांस्टेंट वैल्यू होती है, देखो यहाँ पे KH की वैल्यू हमने निकाला भी है 2.13 × 10⁻³ वैल्यू पुट किया, आंसर पा गया फटक से। तो इस तरीके से हमको पार्शियल प्रेशर जो कि यहाँ पे P देके रखा है हमको इस तरीके से ये फाइंड करना था, ठीक है। तो इतना आसान सा क्वेश्चन था, जस्ट बस अपने को हेनरीज कॉन्स्टेंट पता है, हेनरीज वाला फॉर्मूला तो सब आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द वेपर प्रेशर ऑफ वॉटर एट 20°C इज 17 mmHg, यानी वेपर प्रेशर देके रखा है, टेम्परेचर भी देके रखा है। व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंसेंट्रेटेड कंटेनिंग 2.8 ग्राम यूरिया इन 50 ग्राम ऑफ वाटर, ओके ठीक है।
तो सिंपल सा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर P1 नॉट के लिए हम प्योर लिखते हैं, नॉट प्योर में लगाते हैं, 17 mmHg मर्क्यूरियस यहाँ पे देके रखा है। मास ऑफ यूरिया, अब देखो ये मास तो आपको निकालना पड़ेगा, तो देके भी रखा है ना, तो 2.8। मास ऑफ वाटर भी 50 ग्राम देके रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे यार ये फॉर्मूला लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का आपको आता ही होगा, इसका हमने सॉल्यूशन देखा था अच्छे से, तो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का ये फॉर्मूला मत भूलना अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे अभी अपने को निकालना पड़ेगा मोलार मास, M1 एंड M2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे देखो अभी हम लोग सबसे पहले यूरिया, तो यूरिया का आप यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर फॉर्मूला आपको नहीं आता ना यार तो फिर प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो यूरिया का फॉर्मूला ये होता है NH2 ये, और इधर भी NH2, ये हो गया यूरिया का यहाँ पे मॉलिकुलर फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में कितने ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एक कार्बन, 4 टोटल हाइड्रोजन और 2 नाइट्रोजन। बस यहाँ पे फटाफट सभी का अपने को मोलार मास निकालना है, सभी को ऐड कर दो और मोलार मास मिल जाएगा। कैसे आया, तो नाइट्रोजन का मोलार मास 14 होता है, हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन का 1, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन तो 2 हो जाएगा, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है और हाइड्रोजन का वापस से यहाँ पे 2, सभी को ऐड कर दो और आपको 60 ग्राम यहाँ पे यूरिया का मोलार मास मिल जाएगा, जहाँ पे आप यहाँ पे पुट करोगे अभी, ठीक है। और सिमिलर वे में यहाँ पे देख लो, मोलार मास ऑफ वाटर 18 ग्राम, ये तो हमको पता है कैसे, H2O है, तो 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन का 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 प्लस 2 कितना होता है 18 हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे 18 ग्राम आ गया, बस सारी वैल्यू फटाफट, M1 18 ग्राम, M2 कितना अभी मिला आपको 60 ग्राम, W1 50 ग्राम, W2 यहाँ पे 2.8 ग्राम था, गिवेन है ना यार, ये गिवेन है, यहाँ पे देखो ना गिवेन है, ठीक है सब गिवेन है। और P1 0 - P सारी वैल्यू रखा, P1 की वैल्यू निकालनी है, देखो सबको इधर उधर कैलकुलेट किया, P1 की वैल्यू देखो इतनी आ गई 16.71 mg इस तरीके से। तो ऐसे आपको यहाँ पे निकालना था, देखो मोलार मास निकालने आना चाहिए वरना प्रॉब्लम में फंस जाओगे, ओके ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ए 5 ग्राम एक्वेस सॉल्यूशन बाय मास ऑफ अ केन सुगर, ओके ठीक है। अब यहाँ पे केन सुगर दिया है, इसका मोलार मास पता है, अच्छा चलो दे दिया यार, अच्छी बात है, 3.42 ग्राम पर मोल मोलार मास दे दिया इसका, नहीं तो फिर निकालना पड़ता। हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन टेम्परेचर, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% एक्वेस ग्लूकोज सॉल्यूशन, आंसर इतना है, ठीक है। चलो आंसर देख लेते हैं फटाफट इसका, तो सॉल्यूशन में परसेंटेज बाय मास ऑफ अ केन सुगर सॉल्यूशन, परसेंटेज बाय मास 5% दिया है, परसेंटेज बाय मास ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन भी 5% है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ केन सुगर ठीक है 271 केल्विन टेम्परेचर गिवन है ना यार, मोलार मास केन सुगर 342 ये भी देख, चलो मोलार मास दिया है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर केन सुगर आपको इसका निकालना पड़ता C6H12O6 इस फॉर्मूले से निकालना पड़ता, ओके चलो। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, सीधा सा फॉर्मूला पुट करो, आंसर पाओगे, अभी हमने इस फॉर्मूले का प्रूफ भी किया था, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करो, फ्रीजिंग पॉइंट बोला ना यार, तो फ्रीजिंग पॉइंट के लिए TF यूज करेंगे, तो ये फॉर्मूला यूज करो और आंसर पा लो। तो बस वही सिंपल सा कुछ करना है नहीं, मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि जो यहाँ पे अपना सॉल्वेंट है उसका मास 95 यहाँ पे ग्राम देके रखा है और सॉल्यूट तो 5 ग्राम है। अब देखो यहाँ पे कैसे आया, परसेंटेज बाय मास दिया है ना 5%, तो जब 5% दिया है टोटल सॉल्यूशन का हम हमेशा 100% मानते हैं, ठीक है, जिसमें से इसने सुगर को सॉल्यूट माना है, तो 5% क्या हो गया अपना, यानी कि 100 में से 5 सॉल्यूट हो गया, इसका मतलब 95 क्या रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा। तो यहाँ पे 95 क्या आ गया, सॉल्वेंट का वेट आ गया, और 5 किसका आ गया यहाँ पे देखो, केन सुगर का, जो जिसको हम सॉल्यूट मान रहे हैं, सॉल्यूट, ओके, क्योंकि सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बनता है, इस बात को ध्यान रखना। चलो 5% ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, तो उसमें से भी W2- जो है 5 ग्राम और W1- क्या आ जाएगा 95 ग्राम, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखो अच्छे से। तो ये भी मिल गया, यानी कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जिसमें हम ऐड कर रहे हैं तो उसका भी सॉल्वेंट कितना रहेगा 95, और जो यहाँ पे हम अपना सुगर को डाल रहे हैं उसका 5 ग्राम रहेगा। आगे बढ़ेंगे अभी हम लोग यहाँ पे अच्छे से, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोलार मास ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल देखो, C6H12O6 180 ग्राम पर मोल आता है, ठीक है। फिर उसके बाद डेल्टा TF ऑफ सुगर मॉलिक्यूल, तो डेल्टा TF = TF - TF होता है, TF0 - TF होता है ना, TF0 273 इनिशियल टेम्परेचर माइनस 271 जो टेम्परेचर दिया हुआ है, तो यहाँ पे 271 देके रखा है, पुट करो 2.15 केल्विन टेम्परेचर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी सॉल्यूशन को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, रीअरेंज करेंगे अच्छे से, डेल्टा KF इक्वल टू कुछ इतना आएगा, इक्वेशन नंबर 2 दे दिया इसको ना, और पहले वाले के लिए भी यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेट करेंगे, क्योंकि 1000 KF 1000 KF एक साथ दिया है, दोनों को हम यहाँ पे इक्वेट करेंगे, तो डेल्टा TF की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे हमने पुट कर दिया अपने सुगर मॉलिक्यूल का, यहाँ पे हमने अपने वाटर जो है अपना सुगर केन है उसका, और यहाँ पे दोनों वैल्यू को सॉल्व किया, देखो कुछ इतना टेम्परेचर अपने को मिला, ठीक है। जब ये टेम्परेचर मिला तो लास्ट में डेल्टा TF = TF0 - यहाँ पे TF इस तरीके से होता है, ये TF को मैं साइड में ले लूंगा, तो क्या आ जाएगा, TF0 - डेल्टा TF,
और डेल्टा टी एफ पता है ना, और टी एफ नॉट भी तो पता है। टी एफ नॉट की वैल्यू कितनी है, 273 यहाँ पे गिवन है, ठीक है। टी एफ नॉट इनिशियल टेम्परेचर कभी भी केल्विन में 273.15 होता है, ठीक है। और यहाँ पे डेल्टा टी एफ कितना आ गया, 4.085 आ गया, तो 4.085 माइनस किया 269 यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो ये था अपना फाइनल टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट ग्लूकोज सॉल्यूशन का, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, आप दूसरे मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, बट यहाँ पे एक ही मेथड को फॉलो करो, बहुत अच्छा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 11, ए सॉल्यूशन ऑफ सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला इधर है, इन 50 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड हैज अ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ठीक है, देके रखा है, केबी फॉर एसिटिक एसिड भी देके रखा है, व्हाट इज मोलालिटी, तो बॉइलिंग पॉइंट गिवन है ना, आप तो सिंपल क्वेश्चन बन गया, ठीक है। जब यहाँ पे देखो बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ देके रखा है, केबी ऑफ एसिटिक एसिड भी देके रखा है, मास ऑफ एसिटिक एसिड दिया है, तो मोलालिटी का फॉर्मूला इधर है, एम की वैल्यू पुट करो, फटाफट आंसर निकाल लो, सिंपल सी बात है, सब गिवन है तो आंसर फिर निकालने में क्या टेंशन है। क्वेश्चन नंबर 12, एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ अ सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज अ डेंसिटी ऑफ इतना, डेंसिटी गिवन है, एन ऑस्मोटिक प्रेशर भी गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है, व्हाट इज मोलार मास ऑफ ए कंपाउंड। चलो तो डेंसिटी पता है डी, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर पता है यहाँ पे इतना, टेम्परेचर भी मालूम है 25 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कन्वर्ट करते जाया करो, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। फिर फ्रीजिंग पॉइंट भी डेल्टा टी एफ माइनस 1.013 दिख रखा है। चलो तो फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द मोलार मास पूछा है ऑफ द कंपाउंड, तो यार मोलार मास पूछा है ना, तो मोलार मास क्या होता है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो अपने को मोलार मास यहाँ पे M2, वन मिनट, ये देखो अपने को यहाँ से इस तरीके से इस M की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड करना है। देखो यहाँ पे इस तरीके से कुछ M2, तो पहले हम डेल्टा टी एफ से क्या निकालेंगे, M निकालेंगे, तभी ना यहाँ पे M आएगा, ठीक है। चलो तो R की वैल्यू फिक्स होती है, पता है ना R की वैल्यू, याद रखो 0.08205, हमने 11th में भी पढ़ा था आइडियल गैस इक्वेशन में, R की वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है। फिर उसके बाद डेल्टा टी एफ, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, यहाँ पे 0.3 से माइनस कर दिया, देखो ये टी एफ मिल गया। के एफ फॉर वाटर मॉलिक्यूल 1.86 गिवन है, आपको दिखाता हूँ किधर गिवन है भाई, किधर गया। अच्छा नहीं पता तो फिर याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये फिक्स होता है वाटर मॉलिक्यूल का जो यहाँ पे क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट होता है, ये फिक्स होता है 1.86 100% फिक्स होता है, ये फिर आपको वैल्यू याद करनी पड़ेगी, ये आप गिवन नहीं, देखो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गई, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलो यूजिंग दी फॉर्मूला डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम, वाटर मॉलिक्यूल में पुट कर दूंगा सारी वैल्यू को फटाफट, और यहाँ पे 0.54 आंसर आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला यूज करूंगा, एम मिल गया, याद रखो अच्छे से, यहाँ एम की वैल्यू अपने को मिल गई है ना, यूजिंग फॉर्मूला पाई इज इक्वल टू एम आर टी, यहाँ से एम की वैल्यू मोलार मास निकालूंगा मैं, तो मोलार मास निकालना है तो सारी वैल्यू यहाँ पे पुट किया, और इसको जब सॉल्व करूंगा तो ये रहा है अपना मोलार मास। नाउ अब मास ऑफ द सॉल्वेंट, तो मास ऑफ द सॉल्वेंट निकाल लिया इनटू 1 dm³ करके, ये वैल्यू आ गई, मास ऑफ सॉल्यूशन भी निकाल लिया इस तरीके से, मास ऑफ सॉल्यूट अभी सब पता है ना ऑलरेडी हमको सारी चीजें, तो मास ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट सब निकाल लिया, तो मास ऑफ सॉल्यूट W2 मिल गया, मास ऑफ सॉल्यूशन W1 मिल गया, फिर यहाँ पे देखो मास ऑफ सॉल्वेंट M2 मिल गया, और 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये सारी वैल्यू फटाफट पुट कर ली, और M2 की वैल्यू यहाँ पे हम M से मल्टीप्लाई करके, देखो जो सारी वैल्यू यहाँ पे पता चली है उन सारी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये देखो यहाँ से 166 ग्राम, यहाँ से देखो ये 896 ग्राम, यहाँ पे देखो 897 ग्राम यहाँ पे देखे रखा है, और ये 334 ग्राम पर मोल आंसर आ जाएगा। तो बस आपको कैलकुलेशन करने का काम करना है, और फॉर्मूला कैसे लगाना है मैंने बता दिया है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, और राउल्ट्स लॉ के बेसिस पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ए मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यून कंटेन्स 30% बाय मास ऑफ टॉल्यून, ठीक है, यानी कि बेंजीन और टॉल्यून को हम ऐड करते हैं तो 100% सॉल्यूशन बनेगा, जिसमें से 30% बाय मास ऑफ टॉल्यून का है ओनली, तो 30% जब इसका होगा तो इसका 70% रहेगा, ये बात ध्यान रखना अच्छे से, इसका 70% रहेगा, फिर तब ना दोनों 100% बनाएंगे। आगे एट 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रेशर ऑफ प्योर टॉल्यून इतना है प्रेशर, एंड दैट ऑफ प्योर बेंजीन इतना प्रेशर है, अज्यूमिंग दैट टू लिक्विड फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, कैलकुलेट द टोटल प्रेशर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट अबव द सॉल्यूशन एट 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, दोनों का पार्शियल एंड टोटल प्रेशर फाइंड करना है। तो मास परसेंटेज ऑफ टॉल्यून इज 30 डिग्री सेल्सियस, वेट बाय वेट देके रखा है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। फिर वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड यहाँ पे देके रखा है, पार्शियल प्रेशर है अपना, जो वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर है वो एक ही बात है। फिर वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन भी देके रखा है, 118 दिया है ना यहाँ पे, एकदम देख सकते हो, गिवन डेटा आप पता कर सकते हो। फाइंड करना है पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट और यहाँ पे टोटल प्रेशर, तो पहला P1 इज इक्वल टू P1 नॉट X1 और दूसरे के लिए P2 X2, चाहे आप इसको टॉलिन के लिए मानो चाहे बेंजीन के लिए मानो, किसी को भी मानो, बट मानो P=P1+P2 क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर, मतलब एक बार इस फॉर्मूले से P1 P2 निकाला तो इसी को ऐड करना, वही अपना सेकंड आंसर देगा।
ठीक है चलो। तो फिर मोलार मास ऑफ टोल्यून निकालना पड़ेगा, टोल्यून का फॉर्मूला ये होता है C7H8, इसका मोलार मास निकाला 92 आ गया। फिर मोलार मास ऑफ बेंजीन 78 होता चाहे तो याद कर लो, ठीक है। फिर 30% ऑफ परसेंटेज बाय वेट है, तो 30 ग्राम ऑफ टोल्यून हो गया तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो मास ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा 70 ग्राम, मैंने अभी आपको बताया 70 ग्राम हो जाएगा। तो बाय वेट का याद रखो, 100 में से हम हमेशा देखते हैं अच्छे से, ठीक है। फिर नंबर ऑफ मोल 7H8 है, तो n इज इक्वल टू 30 ग्राम ऑफ यहाँ पे मास हो गया टोल्यून का और 90 मास अपन मोलार मास, ये मिल गया नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल बेंजीन का भी निकाल लो, तो मास अपन मोलार मास, बेंजीन का मास 70 ग्राम और मोलार मास 78 होता है। अभी अभी हमने निकाला ना यार, अभी अभी निकाला ना, देखो ना यहाँ पे 78 बेंजीन का मोलार मास है और उसका मास कितना है 70 ग्राम है, तो मास अपन मोलार मास क्या होता है नंबर ऑफ मोल, यहाँ पे इतना नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। उसके बाद दोनों नंबर ऑफ मोल को हम ऐड कर देंगे तो अपने को इतना मिल जाएगा ना। मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं सबसे पहले अपने टोल्यून का, तो Na अपॉन Na प्लस बी, ऐसे मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, अब फॉर्मूला तो पता होगा ना यार आपको, जिसका भी निकालना है पहला क्या है टोल्यून, तो टोल्यून का नंबर ऑफ मोल ऊपर रहेगा और नीचे दोनों का नंबर ऑफ मोल, यानी कि अपना टोल्यून और उसके साथ कौन है बेंजीन, तो Nb, तो दोनों का यहाँ पे देखो इस तरीके से हमको दोनों का निकालना होता है। जब हम टोल्यून का निकालेंगे तो ऊपर टोल्यून रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 0.266 इस तरह से डिवाइड करने पे आ गया। फिर उसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन भी निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे Nb अपॉन Na प्लस यहाँ पे Nb इस तरीके से, तो ऊपर Nb रख दो, बाकी सारी चीजें सेम देख लो, ये सॉल्यूशन निकालो यहाँ से और 0.7334 आएगा। और चाहो तो मोल फ्रैक्शन किसी का भी 1 से ज्यादा नहीं होता है, तो जब यहाँ पे अपने टोल्यून का इतना आ गया तो 1 में से इसको माइनस कर दूंगा तो इसका फिर कितना आएगा 0.7334 आ जाएगा। दूसरा तरीका जो यहाँ पे सॉल्व करके रखा है तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो, और नहीं तो फिर ये वाला मेथड अप्लाई करो, ठीक है। देखो टोल्यून का निकालना था तो टोल्यून का मोल पहले रखा ना यहाँ पे ऊपर पहले रखा यार, ठीक है, यहाँ पे एने रखा और नीचे दोनों को ऐड किया, और जब बेंजीन की बात आएगी तो ऊपर बेंजीन का रखूंगा और नीचे दोनों को ऐड करूंगा, तो यही आएगा। और या फिर आपने पहले का निकाल लिया तो दूसरे वाले को इसको वन से माइनस कर दो तो दूसरे का भी आ जाता है, तो ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो यूजिंग दी फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, यहाँ पे जो फॉर्मूला आपने पास दिया है P1 एंड P2 का, यही फॉर्मूला हम यहाँ पे डालेंगे। तो पहले के लिए C7H8 यानी P1 हो गया ये, ठीक है, ये P1 ऐसा मान लो इसको। यहाँ पे सारी वैल्यू जो पुट करूंगा, X भी पता है, मोल फ्रैक्शन P0 भी पता है, P0 तो फिलहाल यहाँ पे पता ही अपने को 36 दे के रखा है, और यहाँ पे अपने को मोल फ्रैक्शन कितना मिला 0.266, तो मल्टीप्लाई किया इतना आ गया, ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर। फिर यहाँ पे बेंजीन के लिए P2, ये P2 हो गया और ये P1 है, ओके इतना याद रखो, वहां पे इसने ऐसा लिख दिया तो आपको समझ के रखना है। ये हो गया पार्शियल प्रेशर और यहाँ पे ये मोल फ्रैक्शन पुट किया, सारी वैल्यू निकाल लिया। अब इन दोनों को क्या करूंगा, देखो ऐड कर दूंगा तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा, तो पहला भी मिल गया दूसरा भी मिल गया, इतना आसान सा क्वेश्चन तो था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं अभी, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अभी इसको जल्दी समझना, ठीक है। तो एट 25% 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 0.1 मोलार सॉल्यूशन CH3COOH दिया है इतना, डिसोसिएटेड इन ए, देखो इन एक्वियस सॉल्यूशन, ओके ठीक है, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन अज्यूमिंग मोलालिटी एंड मोलालिटी टू बी आइडेंटिकल, क्या बात है। चलो तो देखते हैं, तो मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन देके रखा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ पे 1.35%, उसको परसेंट से नंबर में कन्वर्ट कर दो, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस देके ही रखा है, ये डाल दो, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन यहाँ पे 0.1 मोल है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करना है तो अपने को पहले ये पता है, फिर दूसरा फॉर्मूला ये, तीसरा फॉर्मूला ये देगा फ्रीजिंग पॉइंट, ये देगा मोलालिटी और ये देगा वेट ऑफ फैक्टर। तो यहाँ पे अपने को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखो ना 0.013 पता है, और आई वेंट ऑफ फैक्टर होता है n नंबर ऑफ मोल होता है, सारी वैल्यू पुट करूंगा, n क्या है यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, n अपना 2 है, तो 2-1 1 और I-1 यहाँ पे 2, n क्या है 2 की वैल्यू, तो I-1 यहाँ पे ऐसे आंसर आ जाएगा, I = 1+α की वैल्यू इतनी और वेंट ऑफ फैक्टर मिल गया 1.013। एक बार जस्ट देखो आप खुद ही समझेगा, ठीक है, देखो फिर से दिखा देता हूँ अच्छे से, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना यहाँ पे 2 देके रखा है, नंबर ऑफ मोल दो सॉल्यूशन मतलब नंबर ऑफ मोल 2, n की जगह मैं रखूंगा 2, 2-1 1, I-1 ओनली बचेगा, यहां से I की वैल्यू निकाल लूंगा बिकॉज अल्फा पता है ना, तो यहाँ पे इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो डेल्टा TF = IKFM, यहाँ पे I की वैल्यू KF की वैल्यू गिवन है और m की वैल्यू गिवन है, इतना आसान से तो था। फिर डेल्टा TF यहाँ से निकाल लो, डेल्टा TF देखो ये मिल गया, फिर यूजिंग ये pi = IMRT, तो I पता है, m की वैल्यू भी मालूम है, R की वैल्यू तो कॉन्स्टेंट ही होती तो पता ही है, टेम्परेचर 298 केल्विन दिया हुआ है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 2.48 केल्विन टेम्परेचर यहाँ पे एटमोस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा। पहला हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, दूसरा हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, तो इस तरीके से दोनों निकाल लिया। फ्रीजिंग पॉइंट ऑलवेज निगेटिव रहेगा, ये बात ध्यान रखना, तो फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF यहाँ पे जो TF दिया है ना TF, ये फ्रीजिंग पॉइंट होता है। डेल्टा TF क्या होता है, लोवरिंग ऑफ यहाँ पे जो अपना फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन भी कह सकते हो या फिर लोवरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों में से कोई भी कहो एक ही बात है,
ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखो। चलो लास्ट क्वेश्चन एंड फाइनल क्वेश्चन नंबर 15 एट 0.15 केल्विन मोलार एक्वियस सॉल्यूशन केसीएल फ्रीजेस एट -0.510 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट आई ओके वेट ऑफ फैक्टर चाहिए एंड ऑस्मोटिक प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस ये भी चाहिए। अज्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू दैट ऑफ वाटर, मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम वाटर की इतना ही है, तो मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितना है 0.15 दिया है। फ्रीजिंग पॉइंट -0.15, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन टेम्परेचर। द वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर और ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करना है। पहला फॉर्मूला डेटा Qf इक्वल टू m, दूसरा वेंट ऑफ फैक्टर के लिए ये वाला, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए ये सॉल्व करना पड़ेगा, और I इक्वल टू पाई अपन पाई नॉट होता है ये पता होगा इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तो डेल्टा Tf की वैल्यू यहां से निकाल लूंगा फटाक से, वैल्यू पुट करके कितने बार निकाला इसको तो आपको आता ही होगा। m की वैल्यू 0.15 m दिया है तो मोल पर केजी में कन्वर्ट कर दूंगा, मोलाल मतलब मोल पर केजी ही होता है। नाउ यूजिंग फॉर्मूला डेल्टा Tf इक्वल टू Kfm ये पुट करूंगा, डेल्टा Tf की वैल्यू पता है, Kf की वैल्यू भी मालूम है, यहाँ पे m की वैल्यू भी पता है, तो 0.279 डेल्टा F Tf नॉट मिल जाएगा यूजिंग दी फॉर्मूला नंबर 2। अब देखो 2 फॉर्मूला यूज करूंगा तो I वेंट ऑफ फैक्टर निकालना है, तो वेंट ऑफ फैक्टर देखो यहाँ पे क्या करते हैं, हमने फॉर्मूला भी देखा था ना अभी, वेंट ऑफ फैक्टर का डिवीजन करना होता है ऊपर वाला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए, नीचे वाला नॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए, तो ऊपर का वैल्यू नीचे का वैल्यू डिवाइड दोनों का पुट किया आंसर आ गया। सिमिलर वे में ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए भी पाई नॉट क्या है यहाँ पे N2 अपॉन V, मोलार M क्या होता है ये मोलार कंसेंट्रेशन जिसकी वैल्यू N अपॉन वॉल्यूम होती है, M का मतलब N अपॉन वॉल्यूम होता है। फॉर द सॉल्यूट N2 अपॉन V आ जाएगा, RT कांस्टेंट होता है, सारी वैल्यू पुट करो और देखो ये आ गया अपना यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए 3.36। फिर ना वेंट ऑफ फैक्टर क्या बन जाएगा, I इक्वल टू पाई अपॉन पाई नॉट, पाई नॉट की वैल्यू देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको, तो पाई नॉट तो निकालना है ना, पाई नॉट मिल गया, पाई नॉट कितना मिला अपने को 3.36 मिल गया, और I की वैल्यू तो पता ही है कितनी है 1.83 है, तो 1.83 इंटू यहाँ पे 3.36 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पाई मिल जाएगा ना, ऑस्मोटिक प्रेशर मिल जाएगा, तो 1.83 आ गया। दी वेंट ऑफ फैक्टर 1.83 एंड दी ऑस्मोटिक प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस 6.15 एटमोस्फेरिक प्रेशर। ये लॉजिक ये फॉर्मूलाज यार आपको आ गए ना, तो समझ लो आपको सब आ गए। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी, मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वाले सॉल्यूशन में, आयोनिक इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय। यहां से कॉन्टेक्ट करके नोट्स वगैरह ले सकते हो, ओके गाइस, और इस चीज का थोड़ा ख्याल रखना और शेयर जरूर कर देना सारे फ्रेंड्स लोग को, तो शेयर करोगे तो ज्यादा फायदा होता है और मुझे कॉन्फिडेंस ही मिलता है कि चलो यार ज्यादा लोग देख रहे हैं तो मैं और वीडियो बनाऊं, नहीं तो फिर टेंशन आने लगती है। ठीक है, तो ये शेयर कर दो सभी को, सभी को फैला दो अच्छे से, सारे फ्रेंड लोग को भेज दो वीडियो, सारा सॉल्यूशन कट टू कट लाइन टू लाइन था। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।